क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन्स इंसानी जिस्म। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और हमारी बॉडी किन पार्ट से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग यूनिट्स क्या हैं, यानी कि वो छोटे से छोटे ज़र्रे जिन्होंने मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बिल्ड किया है, आज हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सो आवर फर्स्ट हेडिंग ऑन पेज नंबर 2 इज़ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स के बुक रीडिंग से पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बेटा, कि अगर आप जस्ट थिंक अबाउट द रूम इन विच यू आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू दिस लेक्चर, उस रूम में ऐसा कौन सा छोटा पार्ट है जिसने आपस में कंबाइन होने के बाद, मिलने के बाद, उस पूरी की पूरे रूम को या आपके घर की पूरी बिल्डिंग को बिल्ड किया है? जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। अगर आप सोचोगे तो आप जानोगे कि आपकी रूम, आपके रूम का वो छोटे से छोटा पार्ट या बिल्डिंग यूनिट जो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मिलने के बाद उन्होंने एक पूरे रूम को बना दिया है, दोज आर ब्रिक्स। वो क्या हैं? ईंटें हैं। कि अगर आप बिल्डिंग यूनिट की एक छोटे से पार्ट की बात करो तो ईंट ही है ना। अगर आप अपने 4 डायरेक्शंस में देखो, आप अपने रूम की दीवारों को देखो, तो क्या चीज़ है जिसने रूम की दीवारों को बिल्ड किया है? ईंटें हैं। इसके अलावा सीमेंट है, पानी है, इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन से आपके पास पूरे रूम की बिल्डिंग बनती है। ऐसा ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो किसी भी बॉडी को बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली एज यू नो दैट वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो हम उन छोटे बिल्डिंग पार्ट्स या बिल्डिंग यूनिट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सेल्स, बिकॉज सेल्स आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों की तरह द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी भी सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, उन सब की जब हम बिल्डिंग यूनिट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द, हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? सेल्स के बारे में। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। हम एटम्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की तो फिर हम बात कर रहे होते हैं एक्चुअली में सेल्स की, बिकॉज सेल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म लिविंग थिंग्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि छोटे से छोटे जर्रे हैं। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। हमारे पास सेल्स की मल्टीपल टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हर बॉडी पार्ट का फंक्शन डिफरेंट होता है, तो फंक्शन की बेस पर हम सेल्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, के जो हमारे जिस्म में इंसानी हड्डियाँ होती हैं वो भी लिविंग सेल्स से मिलकर बनती हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल नर्व सेल। नर्व सेल इज़ द टाइप ऑफ सेल दैट इज़ प्रेजेंट विद इन आर ब्रेन, जो हमारे दिमाग में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी वर्टिब्रेट में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, उन सेल्स को हम कह देते हैं नर्व सेल्स। इसके अलावा हैं बेटा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर दो सेल्स डैट आर प्रेजेंट विद इन द ब्लड। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, जब तक एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल है और हम लोग जिंदा इंसान हैं, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली ब्लड सर्कुलेट करता है। वो ब्लड आपके हेड में भी है, आपके फिंगर टिप्स में भी है, आपके पाँव में भी है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। और वो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा होता है, दैट ब्लड इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, उन्हें हम कह देते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा है हमारे पास बेटा एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आर दो सेल्स डैट मेड आर स्किन, जो कि हमारी क्या बनाते हैं, जो जिन्होंने हमारी स्किन को बनाया हुआ है, डैट मेक आर स्किन, हमारी स्किन को बनाते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 3, बट बिफोर दिस आई वॉन्ट टू शो यू सम सेल्स डैट आर प्रेजेंट विद इन ह्यूमन बॉडी, जिनमें हमारे पास स्टेम सेल्स भी आ जाते हैं
इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल सेल्स आर दो सेल्स डैट आर प्रेजेंट विद इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आफ्टर द स्टमक, उसे हम कह देते हैं इंटेस्टाइंस। और इंटेस्टाइंस में जो सेल्स होते हैं दोज आर इंटेस्टाइनल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, लीवर सेल्स जो हमारे लीवर को बिल्ड करते हैं, एंड मसल सेल्स। इसके अलावा हेयर इज़ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनिमल सेल। क्या आपको एनिमल्स का सेल दिखने में कैसा मिलता है? When we talk about living organisms, then basically we talk about the two main ones. दो हम major living organisms की बात करते हैं, the one is the plant and the other is animal. और आपको एक और बात बता दूँ बेटा कि जब हम लोग animal cell की बात कर रहे होते हैं तो it means we are also talking about the human cell. क्योंकि human और animals की बहुत सारी characteristics same है, same in sense के हम लोग मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं। हम लोग भी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स भी फूड के लिए जो उनसे हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा हम लोग जो है अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए, एक शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं। डैट्स वाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल इट मीन्स डैट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेल, हम ह्यूमंस की भी बात कर रहे होते हैं। तो एक हमारे पास टाइप ऑफ मेजर लिविंग थिंग इज एनिमल सेल और दूसरी टाइप हमारे पास होती है प्लांट सेल की। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाया गया है। ये जस्ट आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि व्हेन वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो बिल्डिंग यूनिट्स दिखने में कैसे हैं जब हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो एक्चुअली में वो हमें नज़र कैसे आते हैं, ये इसके लिए मैंने आपके लिए डायग्राम शो की है। ठीक है, कि हमें एनिमल सेल अंडर माइक्रोस्कोप ऐसा नज़र आता है और प्लांट सेल हमें अंडर माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द सिंपल ऑर्डर। कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं या ह्यूमन सेल्स होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स कि वो छोटे से छोटे पार्ट हैं, लेकिन जब वो छोटे से छोटे पार्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यूज़। मीन्स के ऐसे सेल्स जिनकी करैक्टरिस्टिक सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो, जो एक ख़ास बॉडी पार्ट में एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें द सेल्स डैट आर प्रेजेंट विद इन आर आई, जो हमारी आँख के अंदर मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं ऑप्टिक सेल्स। हमने उनका स्पेसिफिक नाम रख दिया है। अब हमने उनका स्पेसिफिक नेम बेटा क्यों रखा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर होते हैं, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो देखने में हमें हेल्प करते हैं। तो जब वो सेम काइंड ऑफ सेल्स जो सेम ही तरह का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जब सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ एक ही जगह पर इकट्ठे मिलकर काम सर अंजाम देते हैं, जो एक ही तरह का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मिलके बना देते हैं ऑर्गन्स। जैसे कि हम एग्जांपल से दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक सेल्स मिलकर ऑप्टिक टिश्यूज़ बना देते हैं, और जब ज़्यादा सारे टिश्यूज़ ऑप्टिक टिश्यूज़ एक ही जगह पर कंबाइन होते हैं, तो वो हमारी पूरी एक आई को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी आँख को बना देते हैं। इसके अलावा जब ऑर्गन जोन से हैं, हमारी आई जो है वो एक ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा जब डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो बना देते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। अब अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, शुरू से काउंट करते हैं, हमारा माउथ, हमारी फूड पाइप यानी कि जिसके अंदर से आपकी खुराक गुजरती है, हमारा स्टमक के बाद इंटेस्टाइंस। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, और जब ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं ना। और जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, तो वो हमारे पास बेटा क्या बना देते हैं, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरे का पूरा। इसी को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इलैबोरेट करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़।
and when multiple types of tissues combine at one place and perform the similar job, एक ही तरह का काम करते हैं जब different kinds of cells वो मिलकर बना देते हैं tissue, और जब different tissues जो एक ही तरह का काम करते हैं वो मिलकर आपके पास एक organ बना देते हैं, और जब different kinds of organs मिलते हैं, for example यहाँ पर हमारे पास है आपको इस लड़की के अंदर जो एक organ system show किया गया है that is ऑर्गन से वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आप देखो इसमें हमारे पास हार्ट भी है, इसके अलावा हार्ट को हमारी जो हम लोग अपना जो जब हम लोग इनहेल करते हैं सांस अंदर लेकर जाते हैं तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए उसे लंग्स की ज़रूरत भी पड़ती है. इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पूरी बॉडी को ब्लड को सप्लाई भी करना है. तो मतलब ये कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स कंबाइन हुए हुए हैं. कौन कौन से? हार्ट हो गया, आपके ब्लड वेसल्स हो गई, आपका लंग्स हो गया. तो ये इतने टाइप ऑफ ऑर्गन्स जब मिलते हैं पूरा मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. और ये तो सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम है जो आपको इस डायग्राम में शो किया गया है. अगर हम लोग बात करें और ऑर्गन सिस्टम्स की, जैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमें सांस लेने में मदद देने के लिए जो सिस्टम अल्लाह ताला ने विद इन हमारी बॉडी बनाया हुआ है, और इसके अलावा और बहुत सारे सिस्टम जब एक ही जगह पर कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल. ठीक है, हेयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम. और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया गया, नर्वस सिस्टम शो किया गया है. तो जब ये मल्टीपल सिस्टम्स मिलते हैं एक ऑर्गन के सॉरी ह्यूमन के अंदर, तो वो मिलकर पूरी बॉडी को बना देते हैं. बेसिकली द बॉडी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी. तो हम लोग सबसे पहले अभी हम अपनी बुक रीडिंग में बात कर रहे हैं अबाउट सेल्स. सेल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, आपको जो इस डायग्राम में शो की गई हैं, दीज आर रेड ब्लड सेल एंड एपिथेलियल सेल्स. नाउ मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में आप देखोगे सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. तो अब हम टिश्यूज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. अ टिश्यू इज द स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सिमिलर जॉब, जो एक ही तरह का काम सर अंजाम देते हैं. टिश्यूज कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. बोन इज द कनेक्टिव टिश्यू, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन एग्जिस्ट करती है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. अब यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी आपको दिखाई गई है और 4 टाइप्स ऑफ मसल्स दिखाए गए हैं कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं. जैसे कि नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यू कैसे बनेंगे, जब नर्वस सेल्स कंबाइन होंगे. ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर. नर्व्स में भी होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड बेटा हम कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को. सेकेंड वन टाइप ऑफ द मसल इज मसल टिश्यू, जो कि कहाँ पर होती है, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. दीज आर द बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ द मसल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं खास तौर पर, ये उनकी एग्जांपल्स आपको दी गई है. कार्डियक मसल बेटा वो वाले मसल्स जो आपके दिल में मौजूद होंगे, ठीक है, जो आपकी हार्ट की दीवारों को बनाते हैं उन्हें हम कह देते हैं कार्डियक मसल. सेकेंड वन स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटन में होते हैं, हमारे पूरे ढांचे में होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं स्केलेटल मसल. एंड द लास्ट वन इज स्मूथ मसल. ठीक है, स्मूथ मसल्स मीन्स द मसल्स डैट आर प्रेजेंट विद इन आर ऑल सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स. सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन मीन्स वो वाले ऑर्गन्स जिनके अंदर कोई बोन नहीं होती है, जो अपने जसामत के लिहाज से स्पंजी होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि कोई भी स्पंज और हम उसे दबाएं और वो अब कम स्पेस में आ जाए, जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो वापस फैल कर अपनी असली पोजीशन में आ जाता है. तो उन स्पंजी जो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम स्पेशली स्मूथ ऑर्गन्स भी कहते हैं, और वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उन्हें हम स्मूथ मसल्स कह देते हैं. देन कनेक्टिव टिश्यूज़, इनमें आ जाते हैं फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ एंड बोन टेंडन्स. यानी कि हमारी जो स्किन में या बोन्स को कनेक्ट करने के लिए मसल्स होते हैं उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कह देते हैं. एंड द लास्ट वन एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी अपर स्किन लेयर बनाते हैं, एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन.
हमारी जो हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सब अपने हाथों को देखो तो आपके हाथों के इस जो स्किन की सबसे अपर लेयर है बेटा, उसे हम क्या देते हैं, एपिडर्मस, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स। के इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की जो अंदरूनी दीवारें हैं, उन्हें भी हम, वो जिन टिश्यूज से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ फोर काइंड्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू फंक्शन क्या है, मूवमेंट, नाम से ही शो कर रहा है। आपको पता है कि मसल्स कहाँ पर होते हैं, जॉइंट्स के करीब, हमारी बोन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए जो मदद करते हैं उन्हें हम मसल्स कह देते हैं। तो मसल, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होगा, ये हमारी मूवमेंट में हमारी हेल्प करेंगे। सेकंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है बेटा, गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन द प्लेस, के ऑर्गन्स को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, जैसे कि बोन्स में होते हैं, तो बोन्स हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती है, एंड होल्ड देम इन प्लेस, और उन्हें उस जगह पर फिक्स किए रखती है। नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन में होते हैं, सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कि यानी कि वो सारे हमारे सिग्नल्स जो हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं या फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ आते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कवर करते हैं, ठीक है बेटा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर बुक रीडिंग रिलेटेड टू पेज नंबर 2 and 3, एंड आई होप सो कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, और अगर आपको किसी कंसेप्ट के समझने में या अंडरस्टैंडिंग में ज़रा से भी प्रॉब्लम हो, तो आपने वीडियो को बैक करके दोबारा से प्ले करना है और इसे अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।